मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि मेरा राशन ऐप 2.0 को आप यूज कैसे करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप मेरा राशन ऐप को सही सही मैं आपको इस्तेमाल करना बताऊंगा, यूज करना बताऊंगा आप अपने मोबाइल फ़ोन से। देखिए उस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हो, पहले आप ये जान लीजिए। तो आप उस ऐप से सबसे पहले उसमें राशन कार्ड में अपने नए फैमिली का, अपने बच्चे का नाम को उसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी का नाम को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो अपने राशन कार्ड को खुद से घर बैठे। एक रुपया आपको खर्च नहीं लगेगा। देखिए जब आपको राशन कार्ड बन जाता है तो बाद में किसी बच्चे का उसमें नाम को ऐड करना पड़ता है, तो आप सोचते हो कि ऐड कैसे करवाएं, लेकिन जब आप नाम को ऐड करवाने जाते हो तो आपसे वहाँ पर 1,500 रुपया मांगा जाता है। ठीक है, तो वो पैसा आप बचा सकते हैं खुद से। आप अपने घर से अपने मोबाइल फ़ोन से मेरा राशन ऐप 2.0 के जरिए आप अपने बच्चे का नाम को उसमें ऐड कर सकते हैं, फैमिली का किसी भी मेंबर का नाम को आप ऐड कर सकते हैं या नाम को डिलीट भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में आप आएंगे, आने के बाद में आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे मेरा राशन 2.0 लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन आ जाएगा मेरा राशन 2.0। आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। ये देखिए 1 मिनट के अंदर में हो गया इंस्टॉल। अब आप यहां से इसे ओपन पर क्लिक करके ओपन करेंगे, यहां से अलाउ करेंगे, यहां पे आप अपनी भाषा लैंग्वेज को चूज करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पे आपको सीधे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देनी है। यहां पे आप बेनिफिशियरी पे आपको टिक लगानी है, बल्कि आपको डिपार्टमेंट यूजर पे आपको टिक नहीं लगानी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए होता है डिपार्टमेंट, आपको यहां पे टिक लगानी है बेनिफिशियरी, इस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और नीचे लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ गया है OTP सेंड सक्सेसफुली। OTP देखिए आ चुका है ऊपर में, तो OTP को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या इसे हम याद कर लेंगे और ओके पर क्लिक करके इसे हटाएंगे। यहाँ पे हम OTP को डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। OTP डाल दिए हैं, वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट MPIN, आप पिन बनाना चाहते हैं तो क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, नहीं बनाना चाहते हैं तो स्किप पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे पिन बना लेनी है ताकि वो बार बार इसमें आधार से लॉगिन ना करना पड़े, तो क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐसा पिन बनाएंगे जो हमें याद रह सके, तो आप 4 अंक का कोई पिन डाल देंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से वही पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे और नीचे क्रिएट MPIN पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप स्किप पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका राशन कार्ड दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैक साइड का दिखेगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे फ्रंट साइड का आ जाएगा। ये बिल्कुल आधार कार्ड की तरह है, इसे बोला जाता है डिजिटल राशन कार्ड। ठीक है, पहले जैसा राशन कार्ड अब नहीं रहा। ठीक है, आप राशन कार्ड डिजिटल हो गया है, अब छोटा में मिलेगा आपको आधार कार्ड के साइज़ में। ठीक है, आप यहाँ पर डाउनलोड करके इस कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, पन्नी चढ़वा कर जेब में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कार्ड पे आपको यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली, यहाँ पे आपको जो घर में मेन गार्जियन होता है उनका नाम आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस शो करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ घेरे करके, तो आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका फैमिली हेड का नाम। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इसमें लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका एड्रेस शो करेगा, यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर शो कर रहा है, कौन सा डीलर आपके पास में राशन देता है उसका यहाँ पर नंबर शो करेगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसी पे फोटो पर क्लिक करेंगे फिर से। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि आपका फैमिली में कितने आदमी के यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है राशन कार्ड में, उस सभी का नाम आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, उसका यहाँ पर जेंडर शो करेगा, यहाँ पर उसका रिलेशनशिप शो कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको देखनी है कि मेरे राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे आपको शो करता होगा यहाँ पे पेंडिंग मोबाइल नंबर 4, इसमें राशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है जिसमें 4 व्यक्ति का मोबाइल नंबर इसमें लिंक नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करके आप ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी के नाम पर अलग अलग मोबाइल नंबर यहां से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूं, इस वाले देख सकते हो कि इस व्यक्ति के नाम के आगे व्यू का ऑप्शन है, आप इस व्यू पर क्लिक करोगे, मैं वो क्लिक करके दिखाता हूं, व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको यहां पर नाम शो करेगा, यहाँ पर जेंडर शो करेगा, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर है कि 8 दिन में इसमें लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति का किया हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इस व्यक्ति का मैंने नाम, सॉरी, इसका मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया हूँ, तो इसका यहाँ पर व्यू देखिए, ये व्यू जो ऑप्शन है जो ये हाइड है, ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी प्रोसेस में, मैंने इस पर अप्लाई कर दिया हूँ, ये अभी तक इसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है, 8 दिन अभी नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो लिंक करेंगे तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि मोबाइल नंबर को लिंक कैसे करेंगे राशन कार्ड में।
अब आपको क्या करना है कि सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे आता है ये वाला ऑप्शन मैनेज फैमिली डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मैनेज फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड न्यू मेंबर। आप अपने नए आदमी का नाम यहाँ पे जोड़ सकते हो। आपके फैमिली में किसी का नाम नहीं जुटा हुआ है या कोई बच्चा 5 साल का है उसका आधार कार्ड बन चुका है तो उसका नाम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसका नाम को ऐड कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, ये आपको 9 स्टेप में इसमें फिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका, आप समझ गए कि नाम कैसे जोड़ेंगे। सब फ्री में होगा, आपको एक रुपया नहीं लगने वाला है, ये आप समझ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेन चीज़ क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, पहले ये समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको राशन कार्ड नंबर शो कर रहा है ऊपर में, यहाँ पे देखिए आपको राशन कार्ड नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल केवाईसी पेंडिंग है, इसमें एक भी आदमी का केवाईसी इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोट वेरीफाइड आधार केवाईसी, यहाँ पे देखिए नोट वेरीफाइड शो कर रहा है, मतलब कि इसमें किसी का अभी केवाईसी नहीं हुआ है। तो आप डीलर के पास में जाकर के केवाईसी वहाँ से करा लेंगे, ठीक है। केवाईसी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझिए, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप किसी का नाम को अगर आपको डिलीट करना है तो ये देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से ऑटोमेटिक अपना नाम राशन कार्ड से कट करके हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप राशन कार्ड में नाम को हटवाने जाते हो ब्लॉक पर तो वहाँ पर आपसे पैसा चार्ज करता है, या गाँव में कोई दलाल को कहते हो तो आपसे 1500 मांगता है। तो अब आपको वो पैसा बचेगा, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपने राशन कार्ड में किसी का नाम को डिलीट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ और बताता हूँ कि आपका नाम अगर राशन कार्ड में गलत है, ठीक है, अगर आपका नाम राशन कार्ड में गलत होगा तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। जब आपका नाम आधार पर, जो नाम आपका आधार पर है वही नाम आपको राशन कार्ड में होना चाहिए तभी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, वरना आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई अगर आपका नाम गलत है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये व्यू का जो ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे आँख वाला जो ऑप्शन है आई का, ये व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें सब कुछ आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत कुछ आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आधार नंबर शो कर रहा है। तो आपको एक स्टेप बैक आ जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको सुधार करना है। सुधार करने के लिए अगर कोई नाम गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको एडिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर, आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आप यस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नो करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख कर सकते हो तो 9 स्टेप में आपका सुधार होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 पॉइंट इसमें दिया गया है, एक में आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे, दो में, तीन में, करते करते 9वां ऑप्शन पर जाएंगे तब आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप नाम को सुधार कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर लैंग्वेज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ठीक है, मदर नेम, पिता का नाम, फादर का नाम, आप यहाँ पर आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो, ईमेल आईडी, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यह ना बड़ी मज़े की बात, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो अपने राशन कार्ड में। अब आपको राशन कार्ड में कोई भी काम करवाना होगा तो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च करे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि कैसे मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे, नाम को ऐड कैसे करेंगे, नाम को डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ दिखा दिया हूँ, ठीक है। आपका इसमें मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं वो सब कुछ आप यहाँ पे समझ गए हैं। तो क्लिक करेंगे इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके, आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड न्यू ग्रीवेंस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो आपको जो अप्लाई किए नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से उसका रिजल्ट डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप अपने राशन कार्ड को सिलेंडर मतलब कि डिलीट हमेशा के लिए बंद भी करवा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अगर आपका राशन कार्ड किसी दूसरे गांव में है, राशन कार्ड आपको किसी दूसरे गांव में है, अगर आप दूसरे गांव में जाना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर है सिलेंडर राशन और इधर है ट्रांसफ़र, ये देखिए मैं को दिखाता हूँ, ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, और ये रहा आपका ट्रांसफ़र। आप कुछ भी कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इस तरीके से हम अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ किस तरीके से हम काम करेंगे अपने राशन कार्ड ऐप में। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब क्या करेंगे, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप समझ चुके होंगे कि राशन कार्ड 2.0 ऐप को यूज इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास में, दोस्तों के पास में आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख करके खुद से राशन कार्ड को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, बाय बाय।